अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बाजरी के लोफ, जिसके लिए हमें चाहिए बाजरी का आटा जो हमने 800 ग्राम लिया है, ये इस तरह कप से। अगर आपके पास ये कप नहीं है तो आपके पास जो भी कप है उससे चार कप बाजरी का आटा अगर ले रहे आप तो फिर एक कप मैदा ले। हम असल में गिन के बना रहे तो इसलिए हमने ये 800 ग्राम लिया है। तो ये इस तरह बाद में इसको छान लेना है और 250 ग्राम मैदा लगेगा इसके लिए। 250 ग्राम हमने मैदा लिया है, यही कप से 250 ग्राम मैदा लिया है। और चार बड़े टेबल स्पून चावल का आटा लिया है और आधा टीस्पून नमक और एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और चार से पाँच टेबल स्पून तिल लिया है। पाँच टेबल स्पून तिल और चाशनी के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गुड़ लिया हमने और 400 ग्राम शक्कर लिया है और 8 टेबल स्पून हमने असली घी लिया है जो हम गुनने में डालेंगे। और इसके लिए हमें चाशनी के लिए हमें टोटल 1 लीटर पानी चाहिए, तो आप गिनकर 1 लीटर पानी लेना। टोटल ये 1 किलो 100 ग्राम आटे के खजूर बन रहे हैं। तो 1 किलो 100 ग्राम अगर आप आटा ले रहे तो उसके लिए 1 लीटर पानी और 800 से 1 किलो भी आप शक्कर भी डाल सकते खाली आप, अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो चाहे तो, और चाहे तो खाली गुड़ के बना सकते। तो अगर 1 किलो बाजरी के आटे के बना रहे तो टोटल उसमें 1 किलो भी शक्कर डाल सकते अगर आप मीठा खाना पसंद करते। तो हमने अगर 800 ग्राम लिया है, अब इसको हम 1 लीटर पानी में डालकर इसकी चाशनी बना देंगे। आधे घंटे से 35 मिनट तक औटा कर इसको गाढ़ी चाशनी बना दें। इसके बाद हम अब ये बाजरी के आटे में हम एक के बाद एक सब चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें चावल का आटा डालेंगे और फिर ये मैदा जो हमने रखा था छान, और इन सब चीज़ों को हमने एक छन्नी से पहले छान लिया है। और उसके बाद फिर हम ये कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और फिर ये नमक, और उसके बाद ये तिल भी इसके अंदर ही डाल देंगे हम। फिर इसमें शक्कर की चाशनी और गुड़ की चाशनी डाल के इसको गुनेंगे। ये इसमें हमने सब चीज़ें डाल दिए थे, तिल, चावल का आटा, मैदा, ये इन सबको इस तरह हम मिक्स कर देंगे। ये पूरा इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। फिर जो चाशनी हमने रखी है वो इसमें छानकर डालेंगे और फिर इसका अच्छा सा नरम आटा गून लेंगे। इसमें मैदा और चावल का आटा जो डाला है हमने उससे क्रिस्पी और अंदर से नरम बनते हैं। तो आप कभी भी याद रखें, इसमें चावल का आटा ज़रूर डालें, उससे क्रिस्पी बनते हैं और मैदे से नरम, अंदर से सॉफ्ट और नरम रहते हैं। तब इसमें हम चाशनी इसके डाल के गून लेंगे। हमने पैन लिया है, उसमें हम ये जो 1 लीटर पानी रखे थे वो हम इसमें पूरा डाल देंगे। फिर इसके बाद सबसे पहले हम इसमें ये गुड़ डाल देंगे इस तरह से, और फिर ये शक्कर डाल देंगे। शक्कर आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते तो और शक्कर डाल सकते हैं, और फीका खाना पसंद करते तो कम भी डाल सकते हैं। हमने टोटल 800 ग्राम लिया है, गुड़ 400 ग्राम और शक्कर 400 ग्राम है। इसे आधा घंटे तक गाढ़े होने तक इसे पकने देंगे। इसे पूरे
आधे घंटे तक हम इसे पकने देंगे, जब तक ये गाढ़ी चाशनी ना बन जाए। ये गुड़ और शक्कर जो हमने रखा था वो इस तरह उठ के इस तरह इस गाढ़ी चाशनी टाइप बन गई है। फिर इसे हम एक छन्नी से छान के बाजरी के आटे में डाल के इसका आटा गूंद लेंगे। इसे हमने आधा घंटे तक, तकरीबन आधे घंटे तक, 30 से 35 मिनट तक उबलने दिया है। और अगर आपको शक्कर कम लग रही तो आप और डाल सकते हैं। हमने टोटल इसमें 800 ग्राम डाले हैं गुड़ और शक्कर, 400-400 ग्राम डाले हैं। आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं। चाशनी को हमने ठंडा होने दिया है और वो थोड़ा लाइटली गर्म रहने दिया है इसको इस तरह। और इसको 1 लीटर पानी था तो टोटल आधा लीटर औंट के ही आधा लीटर हो गया। तो याद रखिए आप 1 लीटर पानी औंट के आधा लीटर होने तक आप औंटाएं इसे। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे और ये जो घी रखा था वो भी डाल देंगे इसमें। और फिर ऐसा ऐसा से इस तरह से तेल हमने इसमें ही इसलिए डाल दिया है क्योंकि अगर इसको ऊपर लगाए अगर तेल को तो वो झड़ने का डर रहता है, तो इसलिए इसके अंदर ही डाल देना। आप चाहे तो ऊपर से भी और लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इस तरह से इसे अच्छे से गूंद लेंगे। इसमें हमने नमक वो सब डाल दिया है। बहुत ही अच्छी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। ऐसा ऐसा करके हम इसमें ये और आटा अगर अच्छे से सख्त और थोड़ा नरम गुने गए, अगर बच भी गया शीरा तो छोड़ देना इतना शीरा। अगर आटा गुनने में थोड़ा कम लगा शीरा और बाकी का बच गया तो उसे रख देना। जितना इसमें लगता है उतना ही डालें आप। ये इस तरह से हमने इसे गून लिया है। ये अगर हाथों पे इस तरह चिपक जाता है इसमें शीरा होने से, तो इस तरह थोड़ा सा सादा फ्लावर भी डालते हुए गून सकते। हम इसमें सादा फ्लावर डाल रहे हैं ताकि हाथों को चिपके नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा डाल डाल के इसको अच्छी तरह से मालिश कर लेंगे। ये आटा जो हमने गून के रख 10 मिनट सिर्फ इसे ऐसे ही रहने दिया था, एक कपड़ा गीला करके ढक दिए थे, 10 मिनट रख दिए। बस इसे तब बनाना है, तभी इसे गुन के तब का तभी बनाना। अगर आप इसको फ्रिज में या उसको रख देंगे तो वो सख्त हो जाता है। और अगर आपका आटा रेडीमेड है तो आप याद रखें इसमें 100 ग्राम गेहूं का आटा ज़रूर याद से मिला। और अगर आपका आटा नया फ्रेश है, ताज़ा है, तो फिर आप नहीं भी मिलाए तो चलेगा। लेकिन आप कभी भी एक छोटा सा लॉस बना के इसमें पहले तेल में डाल के हम देखेंगे, फिर अगर वो टूट रहे तो आप एक पेड़े के हिसाब से 1 टेबल स्पून गेहूं का आटा मिला दें, इससे लॉस टूटते नहीं। इस तरह से हम इसमें तिल डाल देंगे। वैसे हमने अंदर भी गूंथते वक्त डाला था इसमें तिल, लेकिन हम और ऊपर से थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए लगा रहे हैं। और आप अगर 1 किलो बाजरे के आटे की लॉस बना रहे हैं तो उसमें आप 100 ग्राम आटा गेहूं का 100 ग्राम आटा ज़रूर डालें। अगर आपको लॉस टूटने का डर हो या आप पहली बार बना रहे हो तो आप 100 ग्राम इसमें गेहूं का आटा डालें, उससे लॉस आपके टूटेंगे नहीं। और अगर आपका बाजरी का आटा फ्रेश है, नया है, तो तब आप मैदा
डाल सकते हैं इसमें, लेकिन पहले आप कभी भी याद रखें, एक लॉस पहले तेल में तल के देखना चाहिए। अगर वो टूट रहा या बिखर जा रहा कढ़ाई में, तो आप उसमें एक पेड़े के हिसाब से 100 ग्राम तब का तब भी आप गेहूँ का आटा मिला सकते हैं, और फिर वापस से इसकी मालिश करके दोबारा बेल सकते हैं। इस तरह से इसको बेल देंगे। इस तरह से हम इसे गोल ये पिज़्ज़ा कटर से इस तरह काट लेंगे, और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना भी हो तब भी आप इसे छुरी से काट सकते हैं। इस तरह से हम साइड के इसके कोने निकाल लेंगे। और एक कढ़ाई में हमने तेल गरम को रखते हैं, ये इस तरह से धीरे धीरे इसमें कट्स लगाते रहेंगे, फिर इसे खजूर टाइप काट लेंगे। आप तब जब भी लॉस बनाए तो बाजरे का आटा एकदम फ्रेश पिसाना चाहिए, इससे लॉस अच्छे बनते हैं, टूटते नहीं। इस तरह से पूरे लॉस इस तरह से हम काट लेंगे। आप आपके हिसाब से छोटे बड़े ले सकते हैं। अब ये एक पैन में हमने तेल गरम को रख दिया था, सबसे पहले हम एक डाल के देखेंगे कि तेल अच्छी तरह गरम हुआ या नहीं, और अगर आपका लॉस इसमें टूट जा रहा है तो आप एक पेड़े के हिसाब से एक मुट्ठी भर एक प्याली आटे के हिसाब से गुने हुए, उसमें आप एक टेबल स्पून गेहूं का आटा डाल के वापस से और मालिश कर लेना, अगर आपका लॉस अगर टूट जा रहा है इसमें बिखर जा रहा। और अगर आपने गूंदने में डाला है तो फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, अगर नहीं डाला आपने तो फिर आप टूट जा रहे इसके बावजूद, बाज़ वक़्त पुराना रहा आटा अगर बाजरी का तो टूट जाते लॉस, तो आप इस तरह कर सकते हैं। ये अच्छी तरह तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये एक के बाद एक लॉस डाल देंगे और इसे अच्छे ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तेल कभी भी तेज आंच पे ही गर्म होने देना। इस तरह हमारे ये लॉस गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम इस तरह से निकालें। इस तरह गोल्डन ब्राउन हो चुके हमारे लॉस, इसे हम निथरने देंगे। थोड़ा इस तरह से हिला के इसमें जितना भी तेल है वो निथरने देंगे। इस तरह हम एक टिश्यू पे से डाल देंगे ताकि इसका तेल जितना बाकी है वो भी इसमें जस हो जाए। लीजिए, ये हमारे बाजरी के लॉस तैयार हैं।